हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम 13 सितंबर के फ्लेम स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने डाले थे यूट्यूब कम्युनिटी पे और अचीव आईएएस पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, बहुत अच्छी टिप है और काफ़ी जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। देखिए, जब भी क्वेश्चन ईजी लगे तो उसको दो बार पढ़िए, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा कैसे इजी क्वेश्चंस को भी बच्चों ने कई बार गलत किया। कुछ नया नहीं पढ़ना होता उसके लिए, लेकिन जो क्वेश्चंस जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उनमें भी बच्चों ने थोड़ी जो है डिफ़िकल्टी यहाँ पे डिफ़िकल्ट बना दिया उस क्वेश्चन को। इजी था फिर भी उसको डिफ़िकल्ट बना दिया, या फिर ईजी था उत्तेजना में आके उसको गलत टिक कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे, आराम से हम समझेंगे एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। पहला, कांग्रेस ने सपोर्ट किया नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को खिलाफत क्वेश्चन पे बिकॉज, फर्स्ट स्टेटमेंट, ऐसा लगा कि इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सीमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में, तो वो कांग्रेस हमेशा से ये काम करती थी, और खिलाफत क्वेश्चन तो मुसलमानों का एक ऐसा मुद्दा था जिस पर सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफ वो खड़े हो गए थे। तो लगा कांग्रेस को, हाँ हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे तो ये अच्छी एक हमारे लिए अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, इसको नहीं गंवाना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल रिवाइव्ड इन कांग्रेस। तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल, रिवाइव्ड और कांग्रेस। कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल क्या होता है? पिटीशन वगैरह करना, डिमांड वगैरह असेंबली में डिमांड करना, स्पीच देना। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल कौन करता था? मॉडरेट। बात यह है कि जब आप पढ़ेंगे इस टाइम पे, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, एक चीज़ कांग्रेस को समझ में आ गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल से कुछ नहीं होने वाला, ये हम अब तक करते आए हैं, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल जो हमने फॉलो किया था स्वदेशी मूवमेंट में वो रिवाइव हो गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल तो हमेशा से ही था कांग्रेस के साथ, कभी अलग हुआ ही नहीं। तो फेथ आया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल में। वो क्यों आया? क्योंकि हमने देखा था कि स्वदेशी मूवमेंट में कामयाब हुए तो इसमें भी हम कामयाब होंगे, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल में जो है कांग्रेस का फेथ वापस आ गया कि हमको जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल यानी बाहर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाहर जो चीज़ें, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर जो चीज़ें होती है उनके जो बाहर जो भी मूवमेंट होता है वो हमको करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में रिवाइव हुआ था। तो तीसरा स्टेटमेंट है कि गांधी जी ने अप्रूवल ले ली थी कांग्रेस की इस अपने पॉलिटिकल एक्शन के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि कांग्रेस, गांधी ने मनाने की कोशिश की थी। कांग्रेस की, कांग्रेस में आवाज़ उठी थी कि सेक्युलर मुद्दों पे लड़ो, ये जो खिलाफत का क्वेश्चन है ये मुसलमानों का अपना रिलीजियस मुद्दा है तो उसमें दखलअंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये तो अच्छा मौका है हमारे लिए कि अगर हम उनका साथ देंगे तो तभी हमारा साथ देंगे और उस वजह से हम जो है मिलके अंग्रेज़ों से लड़ लेंगे, तो जो बीच में जो इतनी एनोनिमिटी, जो इतनी दुश्मनी पैदा की थी अंग्रेज़ों ने वो कम भी हो जाएगी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो पहला और थर्ड सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट के बारे में सत्य कथन कौन सा है? पहला, दे वॉन्टेड टू यूज दिस काउंसिल्स एज एन एरिना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल टू अराउज पॉपुलर एंथुजियाज्म। वो इन काउंसिल्स को पॉलिटिकल स्ट्रगल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि पॉपुलर एंथुजियाज्म क्रिएट हो। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल शत प्रतिशत 100% ट्रू है, सत्य है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है कि अपना, दूसरा स्टेटमेंट है, इफ़ डिमांड्स वर रिजेक्टेड, अगर इनकी डिमांड रिजेक्ट कर दी तो वो एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे ताकि गवर्नेंस काउंसिल्स के थ्रू पॉसिबल हो जाए, ऐसा स्टेटमेंट में कह रखा है। दोबारा जब आप पढ़े इस क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चों ने जो है दोनों स्टेटमेंट को सही बताया है, 66, जबकि जवाब है केवल वन ओनली, 18% ने किया। कैसे? वापस पढ़िए, डिमांड्स अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वो ऐसा स्ट्रगल करेंगे, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे कि सरकार जो गवर्नेंस हो रही है वो अच्छे से हो जाए, वो पॉसिबल हो जाए। तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन करने का मतलब क्या हुआ? और वो क्यों चाहेंगे कि गवर्नेंस पॉसिबल हो? यार ऑब्स्ट्रक्शन किस में करेंगे, किसके काम में ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे? सरकार के कामों में क्यों करेंगे? ताकि सरकार के काम रुके तो सरकार की औकात सरकार को दिखाई दे। तो गवर्नेंस पॉसिबल क्यों करेंगे? वो तो इम्पॉसिबल करेंगे ना। ये सेंटेंस ऐसे कैसे मैंने स्पेक्ट्रम से उठाया है जिसमें इम्पॉसिबल को मैंने पॉसिबल कर दिया? तो बच्चों को देखते ही लगा कि यार देखो इतने सारे भारी भारी वर्ड हैं तो जरूर ये सही होगा। ठीक है, लेकिन हम
क्या कहा मैंने कि ईजी क्वेश्चन था ये, अगर आप ढंग से पढ़ते और मतलब निकालते इसका तो आराम से हो जाता। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा आपको नई टेस्ट सीरीज लो या हमारा कोर्स जो है आपने नहीं लिया हो वो लो, आपके पास स्पेक्ट्रम है, आप खुद से भी अगर ढंग से करें तो ये हो सकता था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आपको जो है आगे से ध्यान रखना पड़ेगा, रीजन करते रहिए और क्वेश्चन को करें तो ईजी भी हो तो भी बार बार पढ़िए उसको, देखिए कहीं ना कहीं गलती नहीं हो रही है ना, 100% सही हूँ ना मैं। देखो मैंने इस पर एक्सप्लेनेशन भी डाला था क्योंकि मुझे लगा कि साथ के साथ एक्सप्लेनेशन डालना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। कांग्रेस वॉज लूजिंग फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल, ये तो अपन ने पढ़ लिया। इफ डिमांड्स वर रिजेक्टेड, ये देखो काउंसिल्स इम्पॉसिबल, ठीक है तो समझना चाहिए था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पोखाली राइस वैरायटी के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताइए, तो पहला है कि वाटर लॉक्ड जो कोस्टल रीजन होते हैं केरला में वहाँ कल्टीवेट होता है, बिल्कुल सही। सैलिनिटी को रेसिस्टेंस है, बिल्कुल सही, मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो सैलिनिटी का रेसिस्टेंस क्वालिटी इसकी तक काफ़ी रिमार्केबल है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि इट इज़ फेम्ड फॉर इट्स पेक्यूलियर टेस्ट एंड एक्स्ट्रा लार्ज ग्रीन साइज एंड इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट, बिल्कुल सही, ये सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर है और तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। और ये पोखाली राइस न्यूज़ में भी था तो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है जैसा स्पीकर होता है हमें इसमें करेक्ट बताना है, तो लाइक द स्पीकर, जैसे स्पीकर के साथ होता है वैसे डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाई द लोकसभा इट सेल्फ फ्रॉम अमोंग इट्स मेंबर्स, बिल्कुल सही, वैसे ही चुना जाता है जैसे लोकसभा में स्पीकर चुना जाता है उनके मेंबर्स में से, बिल्कुल सही। डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड बिफोर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर हैज टेकन प्लेस, डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट होता है स्पीकर के इलेक्ट होने से पहले, ऐसा कैसे हो सकता है, पहले स्पीकर होता है फिर डेप्यूटी स्पीकर होता है। और मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ, जब आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़े तो थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि जो इलेक्शन की डेट है डेप्यूटी स्पीकर की वो स्पीकर फिक्स करता है, तो दो या और जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो दोनों कभी साथ में सही हो ही नहीं सकते हैं। तो पहले तो वो स्टेटमेंट अलग कर दीजिए जिनमें टू और थर्ड ऑप्शन साथ में आ रहे हैं, तो बी और डी तो अलग हो गया, ए और सी बचा। अब एक बात समझिए, मैंने ऐसे क्यों बोला कि सेकंड और थर्ड नहीं आ सकते, अगर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन की डेट अगर स्पीकर फिक्स करता है तो सबसे पहले स्पीकर इलेक्ट होगा ना, सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से डेप्यूटी स्पीकर पहले इलेक्ट होता है, पर थर्ड स्टेटमेंट के हिसाब से डेट तो स्पीकर डिसाइड करता है, तो डेट डिसाइड करने के लिए स्पीकर का इलेक्शन होना जरूरी है ना डेप्यूटी स्पीकर से पहले, समझ रहे हो ना। तो इसमें अपना जो है ए और सी ऑप्शन बचता है, और अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो उसमें से थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्पीकर की डेट कौन फिक्स करता है, राष्ट्रपति, ठीक है राष्ट्रपति करता है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर, बिल्कुल सही, डेप्यूटी स्पीकर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यहाँ पे थोड़ा आपको चौंक जाना चाहिए था क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पार्लियामेंट में तो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट तीनों आते हैं, डेप्यूटी स्पीकर राज्यसभा और प्रेसिडेंट को क्यों रहेगा, डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किसने किया है, लोकसभा ने, तो रिस्पॉन्सिबल किसको रहेगा, लोकसभा को, है कि नहीं, तो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट पार्लियामेंट, वैसे डेप्यूटी स्पीकर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट पार्लियामेंट, सो ओनली वन इज करेक्ट। ये बात भी सही है कि डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर के सबॉर्डिनेट नहीं है, लक्ष्मीकांत में है, और उसका रीजन ये है कि जब स्पीकर नहीं होता है तो डेप्यूटी स्पीकर उसकी जगह आ जाता है, तो यानी कि उसके बराबर ही है, कोई अगर उसकी जगह ले सकता है उसकी मृत्यु पे तो उसके सबॉर्डिनेट वो हुआ कैसे, जैसे कलेक्टर अगर मर गया तो डेप्यूटी कलेक्टर को थोड़ी कलेक्टर बना देते हैं, कलेक्टर की जगह दूसरा कलेक्टर आता है, ठीक है ना, तो डेप्यूटी जो कलेक्टर होता है वो कलेक्टर के सबॉर्डिनेट है, क्योंकि कलेक्टर के मरने पर डेप्यूटी कलेक्टर कलेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि उसके सबॉर्डिनेट है, पर डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर के कुछ हो जाने पर स्पीकर बन सकता है, तो उसका मतलब उसके सबॉर्डिनेट नहीं हुआ, एक रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यानी वो उसके सबॉर्डिनेट नहीं है, उसके इशारों पर काम नहीं करता, वो उसकी पोस्ट पर आ जाता है इफ देयर इज इमरजेंसी, इफ एनीथिंग हैपन्स टू द स्पीकर। तो इसको रिवाइज करना अच्छे से, फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है और आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने लिख भी रखा है सोर्स क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द ब्लैक कार्बन, पहला स्टेटमेंट है ब्लैक कार्बन के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताना है, पहला स्टेटमेंट है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बायोफ्यूल्स एंड बायोमास, इजी था क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे चौंक जाना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था, होश में आ जाना चाहिए था और अवेयरनेस के जरिए सॉल्व करना चाहिए था कि कंप्लीट कंबशन से कैसे निकलेगा ब्लैक कार्बन,
हमने इन्वायरमेंट में कितनी बार पढ़ा होगा कि इनकम्प्लीट कम्बशन से ब्लैक कार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और इतनी सारी चीज़ें निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इन, देखो कंप्लीट कम्बशन कभी होता नहीं है नॉर्मली, इनकम्प्लीट कम्बशन होगा उनसे ही ये सब चीज़ें बनेंगी, ब्लैक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब मिलके आपके जो हैं पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं, तो इनकम्प्लीट कम्बशन से निकलता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ब्लैक कार्बन इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली, गलत, नेचुरल एक्टिविटीज से भी ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस होता है, तो हमारा कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। 32% बच्चों ने सही किया 1000 बच्चों में, तो थोड़ा जो है ऐसे क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे, इजी क्वेश्चन लगते हैं, देखो कितने इजी क्वेश्चन लग रहे हैं ना, लेकिन इनमें ही जो है गेम होता है असली, तो एक एक वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इतना आसान नहीं है यूपीएससी क्लियर करना, लेकिन अगर आप होश में रहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर बेसिक चीज़ पढ़ रखी और आप होश में रहे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी नहीं थी। अब अगला क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आपको जो है अगर आपने ढंग से पढ़ रखा हो तो आ जाएगा, एक एक वर्ड पढ़िए। चूज करेक्ट ऑप्शन अबाउट कोरल रीफ्स, कोरल्स आर क्रूशियल प्लांट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी बिकॉज दे सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज इन ओशंस, कोरल्स इंपॉर्टेंट प्लांट्स है क्योंकि स्पीसीज को सपोर्ट करते हैं ओशन में, ठीक है। कोरल्स कंट्रोल द लेवल ऑफ CO2 इन वाटर बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइमस्टोन शेल, दोनों स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, CO2 को जो है कन्वर्ट करता है लाइमस्टोन शेल में, ठीक है, ये बात तो सही है, ये पढ़ रखा होगा आपने। वाला स्टेटमेंट है कि कोरल्स आर क्रूशियल प्लांट्स, यहीं पर समझ जाना चाहिए था आपको, कोरल्स प्लांट्स नहीं होते, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ध्यान रखिएगा कोरल्स प्लांट्स होते हैं, कोरल जो होते हैं जिनको पॉलिप कहते हैं ना, पॉलिप जो अंदर का जो स्केलेटन होता है ना लाइमस्टोन पॉलिप, ठीक है, उनके ऊपर जो जूजलेंथे होते हैं वो एल्गी होती है, ठीक है, जो उनको कलर देती है, जो पॉलिप होते हैं ना वो एनिमल्स होते हैं एक तरीके के, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर एल्गी होती है, जूजलेंथे, ठीक है, वो इसको जो है कलर देती है, जो कलर होता है ना कोरल रिफ्स का वो कैसे आता है, जो इंडिविजुअल जो पॉलिप्स होते हैं ना, कोरल्स के जो पॉलिप्स होते हैं लाइमस्टोन की जो स्केलेटन होती है उनके ऊपर जुजलेंती आ जाती है, वो एल्गी होती है, वो कलर देती है इनको, ठीक है, तो कोरल रीफ जो है वो जुजलेंते की वजह से ही कलरफुल दिखाई देता है, और होते ये प्लांट है, जो स्केलेटन होते हैं ना इनके वो होते वो एनिमल्स है, सॉरी प्लांट नहीं होते, होते एनिमल्स ही हैं, और इनके ऊपर होता है एल्गी, तो ये प्लांट्स नहीं होते, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और मैंने ये बताया अभी था आपको, कोरल्स आर एनिमल्स, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर रेस्ट ऑफ द टर्म, कुछ टर्म बचा हो तो उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट गवर्नर को ट्रांसफर कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, बिल्कुल सही। गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज, गवर्नर ऑफिस को 5 साल के बाद भी कर सकता है अगर उसका अगला सक्सेसर नहीं आया हो तो, बिल्कुल सही। गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बिल्कुल सही, क्योंकि गवर्नर को प्रेसिडेंट कभी बुला सकता है, सीधे सीधे बुला सकता है, कोई उसको ग्राउंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट इन्हीं वजह से रिमूव कर सकता है, ठीक है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती ना करें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं कहीं कि रीज़न बताने पड़ेंगे गवर्नर को, मलाफाइड तरीके से नहीं हो सकता, मनमर्जी तरीके से, ठीक है। तो हालांकि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं है कि रीज़न पूरी तरीके से आपको जो है देने ही पड़ेंगे, मलाफाइड होगा अगर आपका रीज़न, अगर आप गवर्नर को जो रीज़न दे रहे हो मलाफाइड होगा तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स फिक्स नहीं है कि जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट में है कि मिसबिहेवियर और यहाँ पे इनकैपेसिटी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ग्राउंड्स की रिमूवल फिक्स है ना, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, वैसे इसमें नहीं है, ग्राउंड्स फिक्स नहीं है, लेकिन रीज़न देने पड़ेंगे, जजमेंट्स में ऐसा आया है अब तक, और वो मॉडिफाइड रीज़न नहीं होने चाहिए, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन न्यूज में था, इट इज प्रोहिबिटेड इन एंड आउट ऑफ कंपटीशन बाय द वाडा, वाडा ने इसको कंपटीशन के अंदर और बाहर बैन कर रखा है, बिल्कुल सही। ये मसल मास बढ़ाता है, टिश्यू रिपेयरिंग इफेक्ट बढ़ाता है, डोपिंग एजेंट के तौर पर काम आता है स्पोर्ट्स में, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एकदम। वाडा के बारे में पढ़ लीजिएगा, 1919 में आया था और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, और
इसको बनाया था, अपन अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे वो, ठीक है। वाड़ा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाड़ा, वाड़ा के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसको इनिशिएट किया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। दूसरा, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड इंप्लीमेंट करता है, जो यूनेस्को का कन्वेंशन है अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, उसके भी प्रोविजंस इसमें इन्फोर्स किए जाते हैं इस कोड में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लाया था, और वो कब आई थी, 1894 में, ठीक है, वो कब आई थी 1894 में, और ये कब आई वाड़ा 1999 में, याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत है, और अपने देश में नाड़ा है नेशनल लेवल पे एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थ डे, अर्थ डे के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताइए। अर्थ डे नेटवर्क इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड्स अर्थ डे वर्ल्ड वाइड, गलत। अर्थ डे नेटवर्क को यहाँ पे देखिए देखिए देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, पहला स्टेटमेंट सही है। अर्थ डे नेटवर्क नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्थ डे वर्ल्ड वाइड कराती है, अर्थ डे अपना जो आता है हर साल वो होता है, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट फोकस करिए, ड्यूरिंग द डे इस दिन सिविलियंस जो है लाइट बंद कर देते हैं एक घंटे के लिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अवेयरनेस फैला सके, क्लाइमेट चेंज के बारे में और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में। देखिए, लाइट जब ऑफ करते हैं एक घंटे के लिए तो अर्थ आवर कहलाता है, और हर अर्थ आवर की अलग डेट आती है, और वो लाता WWF। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है कि अर्थ डे लाता अर्थ डे नेटवर्क है, पर इस दिन लाइट्स नहीं बंद होती हैं, इस दिन लाइट्स बंद नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस दिन जो है अर्थ डे पूरे दिन ही मनाया जाता है, अवेयरनेस पूरे दिन होती है, अर्थ हावर में लाइट बंद होती है एक घंटे, और WWF लाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही होगा, दूसरा गलत होगा। चलिए, आज 13 सितंबर के इतने ही क्वेश्चन थे, आगे हम पढ़ेंगे 14 सितंबर के, कल मैं वीडियो ला दूंगा इसके लिए भी, ठीक है। धन्यवाद।